आप लोग प्रश्न क्यों नहीं लगाते? जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का है वो कब तक, और जो राशि वापस करनी है वो कब तक? संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है? कार्रवाई नहीं की गई है, उसमें क्या है, दो राजस्व अधिकारी है, एसडीओ है, अब दो एसडीओ है, उसमें दो तहसीलदार है, फिर आपके विभाग के अधिकारी है, तो जिसके ऊपर आप कार्रवाई सबके ऊपर नहीं कर सकते, दोषी पाए गए हैं, तो दोषी पाए गए हैं तो उन दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ में कब तक कार्रवाई हो जाएगी इसको सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कि जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ में कब तक कार्रवाई हो जाएगी, मतलब आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको? जवाब आ गया, जवाब कहा आया, कार्रवाई करेंगे मतलब कितने साल में करेंगे, में 2 महीना, 1 महीना, 15 दिन, कब तक? और दूसरी बात, उसको जो पैसा भुगतान हुआ है गलत आदमी को, उस पैसा वापस कब तक वसूली की जाएगी? केवल दो प्रश्न है मेरा माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रश्न तो यही है कि 10 अधिकारी उसमें सम्मिलित है और उनके खिलाफ में कार्रवाई कब करेंगे, छोटा प्रश्न है, पॉइंटेड प्रश्न है। आपको तो इसमें चिंता ही नहीं करना चाहिए, कौन नपेगा, नाप दो आप। 8 बार समय वृद्धि होने के बाद मैं समझ गया हूँ कि ठेकेदार साहब कितने शक्तिशाली हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी उसका शिलान्यास किए थे, आप मुख्यमंत्री थे उस समय। नतीजा आ गया ना, पीड़ा हमको इस बात की है, वो 2 घंटे के लिए आपके आ रहे हैं। इस बात उसको डिजाइन को बदल दिया गया, उसके नक्शे को बदल दिया गया, हम क्या सोचते हैं? आपकी पीड़ा केदार कश्यप जी दूर करेंगे ऐसा उन्होंने कहा, क्या कर लेंगे जाके? वो पीड़ा दूर करेंगे, कोई पीड़ा दूर नहीं करेंगे, जो सामने में उसको तो कर नहीं पाएंगे। नहीं होगा तो आप, नहीं होगा तो इसी विधानसभा में बताइए आप। पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल है इसलिए आपसे भी मैं संरक्षण चाहूँगा। मैंने अरपा भैसाजहर के विषय में सवाल पूछा था, इसमें लगभग जवाब में जो आया कि 2013 से 8 बार समय की वृद्धि हुई है, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि ये लक्ष्य कब तक, अब तक कितना हुआ है और इसकी प्राप्ति कब तक हो जाएगी? सर्वे के अनुसार क्या सर्वे का भी कार्य पूर्ण हो चुका है और क्या DPR के हिसाब से ही वहां पर कार्य हुआ है, क्या इसका फिजिकल ऑडिट हुआ है, ये मैं मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरपा भैसाजहर के जो बृहत परियोजना है ये लगातार इस पर काम चल रहा है और लगभग 12,500 हेक्टेयर में इसमें अभी वर्तमान में सिंचित हो रहा है और इसके पूरे शीर्ष जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। कुछ एक कार्य जो बाकी रह गए हैं जिसके कारण से अभी आधे क्षेत्र को इसमें सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है, लगभग 8.5 करोड़ लगभग का कहते हैं इसमें शेष है और उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात इस योजना के माध्यम से लगभग 25,000 हेक्टेयर को सिंचित होगा, जिसमें से हमारे 3 विकास खंडों पर यहाँ पर इस योजना के तहत में सिंचाई का सुविधा मिलेगा, जिसमें हमारे कहते हैं जो कोटा का के हमारे लगभग 40 हेक्टेयर और तखतपुर का लगभग 19,406 हेक्टेयर और बिल्हा के लगभग हमारे 5,554 हेक्टेयर इसमें सिंचित होगा। और इस योजना को जब प्रारंभ किया गया और उसके बाद में एक लमसम टेंडर किया गया था अध्यक्ष महोदय, और इसमें पूरे सर्वे का काम और बाकी जो सिंचाई के दृष्टि से जो कहते हैं हमको कार्य करना है उस कार्य का इसमें प्रावधान किया गया था और इसमें 8 बार जो समय वृद्धि किया गया वहाँ पर जो वन भूमि का कहते हैं हमको रिक्वायरमेंट था, उसके अलावा जो राजस्व जमीन की जो रिक्वायरमेंट थी उसके आधार पर जो हम लोगों को राजस्व के माध्यम से जो उनको पेमेंट करना था उसके कारण से ये योजना थोड़ी सी लंबित हुई और पिछले 19 से लेकर के 21 तक तो लगातार कोविड का दौर था और कोविड के दौर में भी वहाँ पर हम लोगों के माध्यम से कार्य कराया गया और कुछ एक जगह पर किसानों का
जो मुआवजा को लेकर के थोड़ा सा विरोध था, तो उसको को भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपका भी क्षेत्र है? मेरा अध्यक्ष महोदय, चलिए एक एक प्रश्न। अब अध्यक्ष महोदय भी क्षेत्र में आ गए हैं, आप लोग प्रश्न क्यों नहीं लगाते? जिस समय जो नहीं, मैं प्रश्न लगाया था तो मेरे प्रश्न 25 नंबर जब इतना महत्वपूर्ण है। नहीं नहीं, 25 नंबर में था मेरा प्रश्न। चलिए कर लीजिए, इसी सत्र में लगाया था तो 25 नंबर में था। एक प्रश्न कर लीजिए, कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता रहे हैं कि 25,000 में आपका 12,000 में सिंचाई शुरू हो गई है, तो मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। 13,000 और होगी तब आपका 25,000 हेक्टेयर होगा। तो एक तो विलंब और उसके कारण में लगातार उसके प्रश्न छोटे करें, भूमिका नहीं, प्रश्न छोटे छोटे। एक तो विलंब और दूसरे कारण लागत, बाकी मंत्री जी को जानकारी में सब है। पॉइंटेड प्रश्न करिए। पॉइंटेड प्रश्न ये है, जो महालेखाकार का जो बताया गया है, अभी जवाब आया था कुछ दिन पहले, 25 नंबर में था। ये जो नहर के जो काम हुए हैं, जिसमें जिनका खेत नहर निकाले नहीं गए हैं उनको पेमेंट हो गया, और जिनका खेत निकाला गया है उसमें नहर नहीं बनाए हैं, तो उसमें 10 करोड़ रुपए के राशि का जो अधिकारियों को, जो 10 अधिकारियों को सस्पेंड करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का, और दूसरी बात वो 10 करोड़ रुपए अधिक पेमेंट हुआ है उसको वापस करने का। सही है। ये कब तक करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आ जाए, एक बार जवाब आ जाए। जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने का है वो कब तक, और जो राशि वापस करनी है वो कब तक कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जहाँ पर हमारे विभाग के माध्यम से, और जो वर्तमान में लैंड एक्विजिशन का मामला है उसके कारण से ही ये पूरा योजना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कार्रवाई नहीं की गई है, उसमें क्या है, 2 राजस्व अधिकारी है, एसडीओ है, अब 2 एसडीओ है, उसमें 2 तहसीलदार है, फिर आपके विभाग के अधिकारी है, तो जिसके ऊपर आप कार्रवाई सबके ऊपर नहीं कर सकते, दोषी पाए गए हैं, तो उन दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ में कब तक कार्रवाई हो जाएगी, इसको सुनिश्चित करें कब तक? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विभाग के अधिकारी और जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारी और जो वहाँ पर उस कार्य से संबंधित जितने भी अधिकारी लगे थे और जिनके माध्यम से ये चूक हुई है, लगभग 8 करोड़ का जो अतिरिक्त इसमें भुगतान किया गया है, जिनके खेतों पर नहर नहीं बनी, उसके लिए उनको जो भी कहते हैं विधि सम्मत जो कहते हैं कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, कि जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ में कब तक कार्रवाई हो जाएगी? मतलब आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको, और बचाने का प्रयास करने से आपको कोई फायदा होगा नहीं, ना नहर के काम हो रहे हैं, ना उसका कैनाल का काम हो रहा है, ना उसमें सिंचाई हो रहा है, और उसके बाद में लागत राशि बढ़ते जा रही है, जो पैसा दी गया उसका अपना तफरी कर रहे हैं। पॉइंटेड क्वेश्चन ये है, मंत्री जी जवाब आ गया। जवाब कहाँ आया? कार्रवाई करेंगे, मतलब कितने साल में करेंगे? शीघ्र बोल रहे हैं ना, शीघ्र नहीं बोल भाई, शीघ्र नहीं, उसमें 2 महीना 1 महीना 15 दिन कब तक, और दूसरी बात, उसको जो पैसा भुगतान हुआ है गलत आदमी को, उस पैसा वापस कब तक वसूली की जाएगी? केवल दो प्रश्न है मेरा। जो गलत भुगतान हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसकी तत्काल वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बहुत बढ़िया, उससे ज्यादा और क्या होगा? अधिकारी माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं अधिकारी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा प्रश्न तो यही है कि 10 अधिकारी उसमें सम्मिलित है और उनके खिलाफ में कार्रवाई कब करेंगे? छोटा प्रश्न है, पॉइंटेड प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, करेंगे कार्रवाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इसलिए गंभीर है कि उतने वरिष्ठ सदस्य उठा रहे हैं, उसके बाद मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। धर्मजी और धर्मजीत को धक्का, आपको सहायता करने की जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है। मैं पूर्ण ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। ये लोग पर्याप्त है इस धारा के क्षण, कार्रवाई, एक प्रश्न बैठिए ना, प्रश्न आ जाए। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न राघवेंद्र सिंह जी जरूर लगाए हैं और बहुत अच्छा प्रश्न लगाए हैं, हम लोग इसलिए नहीं पूछ पाए थे अध्यक्ष महोदय, और भी इसी प्रकार के दूसरे प्रश्न पूछ लिए थे, लेकिन जिस दिन अभिभाषण हो रहा था उस दिन मैंने इस योजना का जिक्र किया था,
25,000 हेक्टेयर में सिंचाई का प्रोजेक्ट है अध्यक्ष महोदय, टर्नकी में इसको दिया गया था। अभी तक के मंत्री जी के जवाब में सिर्फ 12,500 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है, इसका मतलब है 50% ही आपने अपने टारगेट को अचीव किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप एक तरफ जवाब दे रहे हैं कि 80% नहर का निर्माण हो गया, तो 80% नहर के निर्माण के बाद सिर्फ 12,500 हेक्टेयर में सिंचाई कैसे हो रही है? मैं ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि 8 बार आपने उसका समय वृद्धि क्यों किया। 8 बार समय वृद्धि होने के बाद मैं समझ गया हूँ कि ठेकेदार साहब कितने शक्तिशाली हैं, विभाग के अधिकारियों के ऊपर उनका कितना प्रभाव है, और ये कोई आपके समय का कार्यकाल का नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप थोड़ा इसको गंभीरता से लीजिए। तखतपुर विधानसभा और बिल्हा विधानसभा में इसके सिंचाई का लाभ मिलना है, ये वर्षों से लंबित है। वीरेंद्र कुमार सखलेचा जी के ज़माने में और डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने में मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है, इन्हीं के समय का कार्यकाल है जब ये स्वीकृत हुआ। प्रश्न मैं 2 मिनट बता दूं साहब, ये भूमिका सब मालूम है उनको। नहीं नहीं, मैं बता दूं क्योंकि ये पुरानी सरकार का भी इसमें छोटा प्रश्न कर लीजिए। मैं लंबा हो गया, एक चीज जानना चाहता हूं कि 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई कब होगी आप ये बताएंगे, और हमारी और भी कई जिज्ञासाएं हैं जिनको हम आपके अधिकारियों से सदन में तो इतनी बहस कर नहीं सकते। क्या आप इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ भैंसाझाड़ डैम के साइट से बैठ करके हमको स्थल का मूल्यांकन और सत्यापन और भौतिक दर्शन कराने का कष्ट करेंगे क्या, ताकि उसके आपको प्रश्न आ गया अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा छोटा सा प्रश्न। जी सर, कोटा विधानसभा क्षेत्र, आप कहाँ इधर कूद रहे हो? कोटा विधानसभा क्षेत्र में डैम, मैं ये बोल रहा हूँ साहब, अध्यक्ष महोदय, कोटा विधानसभा आपने नहीं है, उस जिले के सब विधायकों के सामने में आप करवा दीजिए। नेताजी, आपके अधिकारी हमको बताते जाएं, हम पूछते जाएंगे, हमारी कोई गलत फहमी होगी उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न उचित है। या हमको 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई देने का आप आश्वासन देंगे? 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई कब तक हो सकती है, क्या कुछ आश्वासन दिया जा सकता है मंत्री जी? और मीटिंग कराएंगे क्या? बस यही प्रश्न सब में अटका हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ के मुख्य कार्य है वो सारे पूर्ण हो चुके हैं। चलिए, बीच का जो पोर्शन है अध्यक्ष महोदय, वही उसको करेक्ट करना शेष बाकी रह गया है, वो करेक्ट हो जाएगा तो उसके पश्चात टोटल 25,000 हेक्टेयर में उसमें सिंचाई सुविधा हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। अध्यक्ष काम पूरा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा साहब, वही साल से रुका हुआ है उसको करिए। सर, फिजिकल ऑडिट करा दीजिए सर, अटल टनल। सर, अध्यक्ष महोदय, इसमें फिजिकल ऑडिट करा दीजिए एक बार, फिजिकल ऑडिट। 12,000 हेक्टेयर में भी सिंचाई नहीं हो रही, ये बांध जो है कोटा विधानसभा क्षेत्र में है, एक भी नहर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका फिजिकल ऑडिट करा दीजिए अध्यक्ष महोदय। युवा है और आपको तो इसमें चिंता ही नहीं करना चाहिए, कौन नपेगा, नाप दो आप। लेकिन हमको खेतों में पानी चाहिए साहब, और 25,000 का टर्नकी में ठेका मिला है, 12,500 सुनते में 7 साल बीत गया अध्यक्ष महोदय, 5 साल हो गया, आप इसको कैसे बनवाएंगे? वो कौन सा हर्डल है जिसको आप नहीं दूर कर पा रहे हैं? विभाग उसको दूर करेगा, कठिनाई दूर करेगा सर, इसमें फिजिकल ऑडिट करा दीजिए सर एक बार, कठिनाई दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले कहा कि इसमें लैंड एक्विजिशन का मामला था और उसके कारण से थोड़ा सा ये विलंब हुआ है, अब वो लगभग थोड़ा सा नहीं, अच्छा विलंब हुआ है जी, और जल्द से जल्द उसको हम पूरा कराएंगे, हम हमारी कोशिश है। चलिए, अब मंत्री जी का आश्वासन आ गया। चलिए नेताजी, मंत्री जी का आश्वासन है, आपकी अनुमति से आपके आप जैसा चाहते हैं, बहुत ही पॉइंटेड प्रश्न, बहुत छोटा प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहाँ का ठेकेदार साहब कौन है जिसका जिक्र माननीय धर्मजीत जी कर रहे थे, उस ठेकेदार साहब का नाम बता दे सकते हैं क्या? और क्या इस परियोजना से संबंधित किसी सी का EOW ACB से जांच हुआ है? क्या किसी सी का हाई कोर्ट के द्वारा कोई सजा दी गई है जो इस परियोजना में कार्यरत था? जानकारी अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, इनके जवाब आ जाए। पौधे, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर की जानकारी मांगी है, मैं उस कॉन्ट्रैक्टर का जो फर्म का नाम है
वो मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा अध्यक्ष महोदय। बहुत छोटा है कॉन्टेक्ट, मैं बता रहा हूँ, ये नाम तो बताना, मैं बता रहा हूँ, बता रहे हैं। कार एजेंसी का जो नाम है वो निविदाकार मेसर्स राधे श्याम अग्रवाल एवं सुनील अग्रवाल। राधे श्याम, चलिए सर, और कुछ शंका? एक और जानकारी थी ना, मैंने पूछा था क्या किसी अधिकारी को सजा हुई है इस मामले में, इसी में परियोजना में काम करने वाले को सजा कुछ हुई? बाद में बता दीजिएगा माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेकर बताऊंगा अध्यक्ष महोदय। अब आप लौट के फिर कैसे प्रश्न में आते? एक मेरा, मैंने पूरा एक राउंड हो गया, वहाँ से शुरू हो गया, वहाँ गया सर, फिर एक एक प्रश्न, चलिए छोटा प्रश्न कुछ हो तो कर लीजिए, बहुत देर हो गया। प्रश्न है, करिए करिए अध्यक्ष महोदय, मौका दे रहे हैं। क्या इसका निर्माण DPR सर्वे के हिसाब से हुआ है और क्या इसका फिजिकल ऑडिट कराया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि इसका लमसम टेंडर हुआ और इसमें एक हमने बताया कि इतना हमको एकड़ सिंचित करना है, उसका जो जो वहाँ की स्थिति है, वस्तु स्थिति से उसका जो सर्वे का काम है पूरा, ये सारा काम वहाँ पे जो संबंधित ठेकेदार था उसके माध्यम से किया गया। एक मीटिंग तो करवा दो साहब जी, आप एक मीटिंग तो बोल दो कम से कम, बिलासपुर सी ऑफिस में सब विधायकों को बुला के पूरी बात, मैं विधायकों के साथ बैठ, आप मंत्री जी एक बार बिलासपुर जाके, नहीं बिलासपुर जाके संबंधित सभी विधायकों के साथ बैठ के, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के आपकी समस्या का निराकरण मंत्री जी 2 घंटा बैठ के वहाँ करेंगे, ठीक है? चलिए सहमत है। अरे अब तो हो गया, परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, लाल कृष्ण आडवाणी जी उसका शिलान्यास किए थे, आप मुख्यमंत्री थे उस समय, नतीजा आ गया ना, पीड़ा हमको इस बात की है, वो 2 घंटे के लिए आपके आ रहे हैं, पीड़ा इस बात की हमको है, क्यों लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे आ करके आपकी पीड़ा स्वाभाविक थे और उस समय उसका शिलान्यास हुआ, आपकी पीड़ा आधा आधे आपकी पीड़ा, योजना योजना में जो उसके लाइनिंग, उसके लाइनिंग को बदल दिया गया, उसको डिजाइन को बदल दिया गया, नक्शा को बदल दिया गया, दोषी पाए जा रहे हैं, आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपकी पीड़ा केदार कश्यप जी दूर करेंगे ऐसा उन्होंने कहा है, चलिए सहमत हो जाए माननीय चरणदास महन जी, क्या कर लेंगे जाके, वो पीड़ा दूर करेंगे, कोई पीड़ा दूर नहीं करेंगे, जो सामने में उसको तो कर नहीं पाए, नहीं होगा तो आप, नहीं होगा तो इसी विधानसभा में बताइए आप, हाँ तो दोषी पाए, आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, चलिए माननीय नेता जी, खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।